मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि मसीमो और नाचो के फादर में मीटिंग हो रही थी। ओल्गा को हम बहुत ही सैड देखते हैं और इसी वजह से अपने वेडिंग को उसने कैंसिल कर दिया था। नाचो के फादर मसीमो से कहते हैं कि हमारी लड़ाई बहुत सारी जनरेशन से चलती आ रही है, अगर हम फिर से लड़ेंगे तो किसी का भी भला हो नहीं पाएगा, जो भी हुआ उसे हम एक सिर्फ एक्सीडेंट मानेंगे। मसीमो कहता है कि तुम लोग मेरी टेरिटरी में फिर से नहीं आओगे, अगर आए तो वॉर छिड़ जाएगी। उन्हें जाने के लिए उसने सिर्फ एक घंटा दिया। इसके बाद मसीमो को हम एक ग्रेव के पास देखते हैं, उसके ट्विन ब्रदर की ग्रेव थी। लास्ट मूवी के एंड में जो शूट आउट हुआ था उसमें उसके ब्रदर की डेथ हो गई थी। इसके बाद मसीमो जब घर पर आता है तो वहाँ पर उसके पास लॉरा थी, इसका मतलब है उसकी जान बच गई थी। उसने उसे बहुत मिस किया था और इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लग गए। मसीमो कहता कि अब भी तुम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हो, हम ये सब नहीं कर सकते, डॉक्टर ने उन्हें मना किया था। लॉरा कहती कि मुझे डॉक्टर के कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और मसीमो उसे रोक लेता है। इसके बाद वो बेड से उठकर ओल्गा के पास आके उसे चलता फिरता देख उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ओल्गा ने कहा कि तुम्हें ज़रा रेस्ट करना चाहिए। लॉरा कहती कि रेस्ट करके मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई हूँ। वो अपने लिए वाइन ऑर्डर करती है। ओल्गा ने कहा कि तुम्हारे लिए सही नहीं है, हम लोग तुम्हारे लिए बहुत ही वरीड थे। लॉरा कहती कि मुझे लाइफ में एक सेकंड चांस मिला है और इसे मैं गंवाना नहीं चाहती। लॉरा के एक्सीडेंट की वजह से ओल्गा ने अपने मैरिज को कैंसिल कर दिया था। इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में मसीमो एक मीटिंग में था। ओल्गा उसके सामने से उसे हाथ लगाकर जाती है। वो फिर उसके पास आ गया और दोनों इंटीमेट हो गए। लॉरा जब अपने रूम में वापस आई तो ओल्गा समझ गई कि मसीमो और लॉरा के बीच में क्या हुआ है, उसके लिए हैप्पी थी। इसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं, अच्छे से लंच करते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे थे। अचानक से लॉरा को कॉल आ जाता है, ये कॉल नाचो का था। ओल्गा के सामने वो पिकअप नहीं करती और वहाँ से दूर चली जाती है। लॉरा ने उसे पूछा कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। नाचो कहता है कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। लॉरा ने कहा कि तुम्हें अच्छे से ट्राई करना पड़ेगा और वो फ़ोन को कट कर देती है। वापस आने के बाद ओल्गा उससे पूछती है कि तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना चाहिए। नाचो के साथ तुम जिस आइलैंड पर गई थी वहाँ पर हुआ क्या था। लॉरा कहती कि नाचो मसीमो से बहुत ही डिफरेंट था, वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड बन गया था। ओल्गा उसे पूछती है कि क्या तुम उसके साथ इंटीमेट हुई थी, पर लॉरा इसे मना करती है। मेरे लास्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा था कि वो दोनों इंटीमेट हुए थे, पर एक्चुअल में वो सिर्फ लॉरा का सपना था। ओल्गा ने कहा कि तुम उससे प्यार करने लग गई हो। लॉरा कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो डांस करने के लिए क्लब में जाते हैं। वहाँ पर ओल्गा का फियांसे डोमिनिको आ जाता है। वो दोनों फिर वहीं पर किस करने लग गए। लॉरा नीचे आती है तो पार्टी में मसीमो भी आया हुआ था। उसे एक प्राइवेट डांस दिखाने के लिए लेकर जाता है। उस लड़की ने उनके सामने डांस किया पर लॉरा को ये अच्छा नहीं लगा, उसे जाने के लिए कहती है। इसके बाद वहीं पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में लॉरा उठी तो बेड पर वो अकेली थी तो मसीमो को ढूंढने लगती है। मसीमो उससे पूछता है कि तुम सोई क्यों नहीं। लॉरा कहती कि तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। वो उसे पूछता है कि उस आइलैंड पर हुआ क्या था। लॉरा ने कहा कि तुम ड्रंक हो, हमें इसके बारे में बाद में बात करनी चाहिए। मसीमो इस बात से गुस्सा हो जाता है। लॉरा ने कहा कि मुझे लगा था कि तुम मुझ पर चीट कर रहे हो, इसी वजह से उसके साथ में गई थी। मसीमो ने कहा कि वो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लॉरा कहती कि तुम अगर तुम्हारे ट्विन ब्रदर के बारे में मुझे बता देते तो मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी होती ही नहीं। मसीमो कहता है कि उसी की वजह से मुझे पता चल पाया कि तुम प्रेग्नेंट हो, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में तुमने मुझे बताया भी नहीं था। लॉरा कहती कि अगर मैं बता देती कि उस हमले की वजह से मैंने मेरा बेबी लॉस्ट कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तुम अपने दुश्मनों के साथ वॉर स्टार्ट कर देते। मसीमो कहता है कि तुम्हें मुझसे हाइड नहीं करना चाहिए था। लॉरा ने कहा कि तुम्हारी दुश्मनी की वजह से यह सब हुआ था। मसीमो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और लॉरा बहुत ही अपसेट थी। वो नींद में नाचो के बारे में ही सोच रही थी। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके पास मसीमो था और उसे लगता है कि उसके पास नाचो है। मसीमो ने उससे पूछा कि हुआ क्या। लॉरा उसे कुछ भी नहीं बताती। मसीमो समझ जाता है कि लॉरा उसके साथ झूठ कह रही है और गुस्सा होकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद उन दोनों में दूरियाँ हो गई। वो दोनों एक दूसरे के पास नहीं सोते, एक दूसरे को मिस तो कर रहे थे पर फिर भी एक दूसरे के पास नहीं आते। लॉरा मसीमो से बात करने के लिए आई थी पर मसीमो को अपने बिजनेस का कॉल आ जाता है। उसके एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा काम नहीं किया था और उस पर वो गुस्सा हो गया। लॉरा को थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं देता। मसीमो का फ्रेंड उसे कहता है पहले तो तुम इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं किया करते थे, तुम किसी चीज़ से ज़रा डिस्टर्ब हो। लॉरा को इग्नोर कर मसीमो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लॉरा डिसाइड करती है कि अपने काम पर वो फोकस करेगी। अपनी वो कंपनी में आई, वहाँ पर डिज़ाइंस देखती है और अपने कैटलॉग्स को अप्रूव करती है। अलग अलग डिज़ाइंस पर काम कर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की। मसीमो ने भी खुद को बिजी कर लिया था।
वो अगर एक दूसरे से टकराए भी फिर भी बिना कुछ कहे वहां से चले जाते थे। लॉरा का किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। ओल्गा उसे अपने वेडिंग के बारे में बताना चाहती थी पर वो कुछ भी सुन नहीं रही थी। मसीमो एक क्लब में आया हुआ था, वहां पर कुछ लड़कियां उसे किस करती है, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा था और वहां से वो चला गया। एक दिन लॉरा के ऑफिस में ओल्गा आई, बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि उनका ब्रांड फैशन वीक के लिए पुर्तगाल जाने वाला था। उनके लिए बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी और बहुत ही एक्साइटेड थे। इसके बाद वो जाने के लिए निकल पड़ते। गाड़ी में लॉरा ओल्गा से पूछती है कि क्या तुम दिन भर घर पर ही थी। मसीमो लॉरा से मिलने के लिए पूरे दिन आया नहीं था, इस बात की वजह से उसे बहुत सैड लगता है। लॉरा कहती कि अब मुझे नहीं लगता कि हम हमारे रिलेशनशिप को सुधार पाएंगे। पुर्तगाल पहुंचने के बाद ओल्गा एंजॉय कर रही थी। लॉरा को कई बार भी जाने का मन नहीं था पर फिर भी उसे खींचकर वो लेकर जाती है। बीच पर जाकर वो कुछ सर्फर्स को देखते है। ओल्गा सब लोगों को देख रही थी। लॉरा उसे कहती है कि तुम शादी करने वाली हो, तुम्हें इस तरीके से बाकी लड़कों को नहीं देखना चाहिए। ओल्गा कहती कि मैं सिर्फ देख रही हूँ, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओल्गा ने कहा कि लोग सर्फिंग कैसे कर लेते हैं, सारा पानी तो हेस में चला जाता होगा। लॉरा ने उसे बताया कि जब वो नाचो के साथ थे तो किस तरीके से उसने उसे सर्फिंग सिखाई थी। बीच पर सर्फिंग के विनर की अनाउंसमेंट होती है और उसमें नाचो का नाम आया। ये नाम सुनकर लॉरा डिस्टर्ब हो गई। वो जहाँ पर बैठे थे वो वहीं पर आ रहा था। ओल्गा कहती कि उसके साथ एक लड़की भी है। लॉरा ने उसे देखा तो ये नाचो की सिस्टर ही थी। लॉरा ओल्गा से कहती कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकाल लो। ओल्गा ने नाचो को डिस्ट्रैक्ट किया और वो वहाँ से भाग गए। इस बात पर वो रात में बहुत हंसते हैं। वो फिर पार्टी करने के लिए क्लब में गए। रात में लॉरा को नाचो के सपने आते हैं। अगली रात अपना काम कर कर फिर से वो पार्टी में आई। उसे उसकी कलीग कहती है कि मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। ओल्गा एक आदमी के साथ फ्लर्ट करने लग गई थी, तभी एक बॉडीगार्ड आता है और उसे उठाकर लेकर जाता है। पार्टी के मॉडल्स को मिलते मिलते लॉरा नाचो की सिस्टर को भी मिलती है। ओल्गा कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठाए इसीलिए लॉरा ने अपने बॉडीगार्ड को कहा था कि अगर वो किसी के साथ फ्लर्ट करती है तो उसे उसके रूम तक वो छोड़ कर आए। ओल्गा बॉडीगार्ड को बहुत मारती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। नाचो की सिस्टर लॉरा से कहती है कि मेरा ब्रदर बुरा नहीं है, वो सिर्फ अपने फादर के लिए बहुत लॉयल है। उसने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही बुरा था। जब मुझे पता चला तो एक वीक तक मैंने उससे बात भी नहीं की थी। उसने जो किया इसके लिए उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। तुम्हें एटलीस्ट एक बार उससे बात करनी चाहिए। नीचे हम नाचो को देखते हैं। ओल्गा ने भागने की कोशिश की और वो स्टेज पर फंस जाती है। वैसे भी रात भर अब वो कुछ कर नहीं पाएगी। इसके बाद लॉरा और नाचो एक जगह पर आते हैं। लॉरा उसे कहते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया कैसे, जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थे तब सब कुछ बहुत परफेक्ट था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उसे उसके होटल ड्रॉप करने वाला था पर अपने घर पर लेकर आता है। लॉरा ने कहा कि यहाँ पर मेरा रूम नहीं है। मसीमो कहता है कि मैंने मिस्टेक कर दी पर इस मिस्टेक को हम सुधार सकते हैं। वो दोनों फिर घर में आए। घर के पास बीच था और वहां पर वो बैठे हुए थे। नाचो कहता है कि तुम मुझसे भाग सकती हो पर तुम क्या फील करती हो इस बात से नहीं भाग सकती। लॉरा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या फील हो रहा है। नाचो कहता है कि तुम्हारी बॉडी से मुझे सब कुछ पता चल जाता है। लॉरा उसके करीब आ रही थी पर कहती कि मुझे अपने होटल वापस जाना पड़ेगा। नाचो कहता है कि मैं तुम्हें ड्राइव कर दूंगा। लॉरा कहती कि तुम पहले ही रास्ता भूल गए थे। लॉरा इन फीलिंग्स को लेकर जरा टाइम चाहती थी। नाचो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। लॉरा ने कहा कि अगर पूरी लाइफ तुम्हें वेट करना पड़ा तो फिर तुम क्या करोगे, अभी मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं होगी। इसके बाद लॉरा उसके करीब आके और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। लॉरा कहती कि मसीमो गुस्से में होगा क्योंकि मुझे ट्रैक नहीं कर पाया। नाचो ने कहा कि तुम्हें उसके पास वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। लॉरा ने कहा कि ये तो बहुत ईजी रहता पर उसे वापस जाना पड़ेगा। नाचो कहता कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, किसी भी चीज़ को लेकर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हारे पास हमेशा चॉइस रहेगी, इसी वजह से मैंने मसीमो को बचाया था। लॉरा को ये बात पता नहीं थी। नाचो कहता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे मारने वाली थी पर मैंने उसे शूट कर दिया और मसीमो बच गया। लॉरा कहती कि अगर वो मर जाता तो तुम्हारे लिए सब कुछ तो एकदम सही हो जाता। नाचो ने कहा कि तुम उसे बहुत प्यार करती हो और इस तरीके से अगर उसकी जान चली जाती तो तुम बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती। मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहना चूज करो। लॉरा फिर मसीमो के पास आ जाती है। मसीमो से पूछता है कल रात तुम थी कहाँ। मसीमो गुस्सा हो गया और उसे लायर बुलाता है। लॉरा ने कहा कि तुम मुझे तंग कर रहे हो, मैं कभी भी तुम्हें डिवोर्स के लिए पूछ सकती हो। मसीमो कहता है कि ये क्या नया है। लॉरा ने कहा कि जब मुझे गोली लगी तुम एक डार्क प्लेस पर चले गए थे, उसमें मुझे भी तुमने अलाउड नहीं किया था। तुम्हें लेकर मैं क्या फील करती हूँ ये जानने के लिए मुझे जरा स्पेस चाहिए।
उसने मसीमो को सिसिली जाने के लिए कहा था। अगली सुबह लॉरा को लेटर लिखकर वहां से चला जाता है। उस लेटर में लिखा था कि मैं तुम्हें प्लेन छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। लॉरा यह देखकर बहुत रोती है। ओल्गा ने देखा और उसे पूछती कि हुआ क्या। जब लॉरा उसे सब कुछ बता देती है तो लॉरा कहती कि तुमने अपना माइंड लॉस कर दिया है, तुम अभी अभी नाचो से मिली थी और इस वजह से अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कैसे कर सकती हो। लॉरा कहती कि इस ट्रिप पर तुम हर एक लड़के के पास जा रही थी, तुम मुझे लेक्चर नहीं दे सकती। ओल्गा उसे समझने की कोशिश करती है और उसे सपोर्ट देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लॉरा अपने पेरेंट्स के पास आ गए। वो बाइक पर आई थी और ये देखकर उसके पेरेंट्स जरा वरीड हो गए। उसकी मदर को लगता था कि अगर आदमी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो तभी वो मोटरसाइकिल बाय करता है। लॉरा कहती कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कहती कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो अपना बर्थडे तो अपने हस्बैंड के साथ बिताती। लॉरा ने सारी सिचुएशन अपने पेरेंट्स को बता दी। अब उसे क्या चूज करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा था। उसकी मदर उसे कहती कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो तुम किसे चूज करती। लॉरा इसे आंसर नहीं कर पाती। लॉरा के फादर जब कुछ लेने के लिए गए तो उसकी मदर कहती है कि हमें हमारी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, अगर हम हमारे हस्बैंड के लिए जीने लग गए तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, इससे हमारा हस्बैंड भी खुश नहीं रहता। आज रात लॉरा को मसीमो और नाचो उन दोनों के साथ में सपने आए। इस सपने से वो डर कर जग जाती है। अगले दिन पर वो राइड पर जा रही थी तो उसके फादर भी उसके पास आए। लॉरा को अपना बचपन याद आता है, उसके फादर के साथ टाइम स्पेंड करना ये हमेशा उसे बहुत अच्छा लगता था। जब वो फादर के साथ डिनर कर रही थी तो उसे ओल्गा का कॉल आता है। वो डरी हुई थी और कहती कि मैंने मसीमो की कन्वर्सेशन सुनी, उसे नाचो के बारे में पता चल चुका है और शायद वो उसे मारने के लिए जा रहा है। ओल्गा कहती कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए और लॉरा को भी यही लग रहा था। लॉरा सिसिली वापस आकर एयरपोर्ट पर टैक्सी में बैठती है तो टैक्सी में नाचो था। लॉरा उसे देखकर सरप्राइज थी। उसे कहती कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे पुश मत करना, मुझे डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा। नाचो कहता है कि यहाँ पर आकर मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, अगर मसीमो को पता चलता है तो मेरे फादर की जान भी खतरे में आ सकती है, पर मैंने ये सब रिस्क लिया ताकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। नाचो कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जब मैं तुमसे मिला तो डायरेक्टली मैं तुमसे प्यार नहीं करने लग गया था, पहले तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी, फ्रेंड बनने के बाद प्यार कैसे होता है ये मुझे पता चला, तुम्हारी हर एक चीज़ मुझे अच्छी लगने लग गई, तुम्हारा स्टबर्ननेस और जब तुम सोई हुई होती हो तो तुम्हारा बिना किसी रीज़न के स्माइल करना, तुम्हारे हर एक चीज़ को मैं चाहता हूँ, तुम जैसी हो वैसा मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मैं बर्मा में सनराइज देखना चाहता हूँ, बाली में मेडिटेट करना चाहता हूँ और टोक्यो में ड्रंक होना चाहता हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुम मेरा वर्ल्ड बन गए, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। ये सब कहने के लिए लॉरा उसे थैंक यू कहती है। इसके बाद वो मसीमो के पास उसे ड्रॉप कर देता है। लॉरा को पिकअप करने के लिए ओल्गा आई थी तो लॉरा नाचो को ओल्गा से मिलाती है। ओल्गा पहले ही डरी हुई थी और उसे देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। मसीमो बीच के पास था तो लॉरा उसे बात करने के लिए गई। मसीमो उसे देखकर कहता है कि जब तुम इंजोर थी तुम मुझसे बहुत दूर थी, उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, तुमने हमारे बेबी को लॉस कर दिया और तुम तकलीफ में थी फिर भी मेरे पास आकर कुछ भी बोल नहीं पाई, इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया। लॉरा कहती कि तुम्हें मेरे और नाचो के बारे में बहुत टाइम से पता था तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं। मसीमो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, उसके एंड में उन्होंने कहा था कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, अगर वो तुम्हारे पास लौटकर वापस आ गए तो वो हमेशा के लिए तुम्हारे है, अगर वो नहीं आए तो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। लॉरा से पूछता है क्या तुम मेरे पास वापस लौट कर आई हो। यही पर मूवी एंड हो जाती है और लॉरा का आंसर हमें पता नहीं चलता। अब शायद ये सब चीज़ें हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।